हेलो बच्चों, राधे राधे। अब हम स्टार्ट करेंगे इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन चैप्टर मतलब हम लोगों ने एओडी खत्म कर लिया, लगभग डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा खत्म हो गया, डिफरेंशियल कैलकुलस खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद से इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में बेसिकली चार चीजें पढ़नी है अपने को यहाँ पे। एक तो आपका पढ़ना है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन, फिर एरिया अंडर कर्व, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर ये पूरा डिफरेंशियल यानी पूरा कैलकुलस खत्म हो जाएगा। डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस खत्म। इसमें बात आपको ये देखनी है कि देखो, जो हम पहला चैप्टर इसका पढ़ने जा रहे हैं ना, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, ये बिल्कुल जैसे फंक्शन हम डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़े थे, जिसका कि अगर मैं क्वेश्चन के वेटेज के बेसिस पे मूल्यांकन करूं तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके क्वेश्चंस आते नहीं है बहुत ज्यादा। वैसे ही इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के सवाल आपके आईआईटी में आते ज्यादा नहीं है, एडवांस में तो कभी गिना चुना 4-5-10 साल में एक बार आ जाता है, बट मेंस में आ जाता है। मेंस में कभी एक आध सवाल आ जाता है, किसी पेपर में आएगा किसी पेपर में नहीं आएगा। बट ये इंटीग्रेशन का बैकबोन है, बेसिक है, बेस है, इसको पढ़ना जानना बहुत जरूरी है। अगर ये आएगा तो इसके बाद के चैप्टर जैसे आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन, जिससे कि सवाल आना ही आना है, चाहे आईटी एडवांस में हो चाहे आईटी मेंस में हो, चैप्टर लगभग अब तक का पैटर्न है कि सवाल आता ही आता है। फिर आपका उसके बाद स्टार्ट होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया अंडर कर्व, तो एरिया बाउंडेड बिटवीन कर्व या एरिया अंडर कर्व, अगर इस चैप्टर को जानना है तो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन फिर से आना चाहिए। फिर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आपको वो चैप्टर करना है, उससे सवाल जिनसे कि इंटीग्रल कैलकुलस का मोस्टली क्वेश्चंस जो आपका पूछे जाते हैं वो डेफिनेट इंटीग्रेशन, फिर आपका एरिया बाउंडेड बाय द कर्व और फिर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। इन चैप्टर्स के चीजों को करने और समझने के लिए इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का आपको जानना बहुत जरूरी है। बात समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन के वेटेज से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट और आगे के बैकबोन यानी बेसिक के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसको प्यार से अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट इसका समझने की कोशिश करेंगे। जैसे पहली बात अगर मैं लिखूं, अच्छा वही अब मैं पढ़ेंगे, इसमें पहले हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम इसकी पहली बात लिखें तो पहली बात होती है कि जो ये इंटीग्रेशन होता है ना, एक्चुअल में आपको क्लास 11th में ही जब आप आए होंगे उसी समय आपको बता दिया गया होगा कि कुछ कुछ का डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन की आपको अगर इंटीग्रेशन इसका करना है तो बेसिकली आप इसका डिफरेंशिएशन याद कर लो, डिफरेंशिएशन का उल्टा कर लो, जो इसका डिफरेंशिएशन है वही इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा इसके रिवर्स फंक्शन का। तो एक्चुअल में जो इंटीग्रेशन होता है वो रिवर्स प्रोसेस ऑफ यानी इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, पहली बात। दूसरे नंबर की बात पे आते हैं, ये डिफरेंशिएशन का, चूंकि क्या आपका इंटीग्रेशन जो है, सिंस इट इज इंटीग्रेशन यानी सिंस इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस, तो इसलिए इसका नाम रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव। और इसका एक नाम क्या होता है, इसका एक और नाम हम जिस नाम से जानते हैं उसको हम कहते हैं एंटी डेरिवेटिव, ठीक है, इसको एक और नाम से जानते हैं एंटी डेरिवेटिव। यानी अगर तीसरे नंबर पे मैं बात करूं तो इंटीग्रेशन के क्या क्या हमने नाम जान गए, एक तो इंटीग्रेशन का नाम इंटीग्रेशन ही है, अगर इंटीग्रेशन नाम से पूछता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, या दूसरा नाम क्या होता है इसका हमने अभी पढ़ा एंटी डेरिवेटिव, कि भाई ये डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस है तो इसको एंटी डेरिवेटिव कहेंगे, और तीसरा नाम क्या कहा हमने, एक और नाम इसका होता है उसको बोला जाता है, कई बार आपके सवालों के दौरान देखने को सुनने को मिलेगा और आईआईटी भी यूज करता है, प्रिमिटिव आपका एक वर्ड यूज होता है। यानी इंटीग्रेशन के तीन नाम क्या क्या, इंटीग्रेशन, एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव, ये तीनों ही इंटीग्रेशन के नाम है। चौथे नंबर पे बात करें तो अगर हम कहें कि जैसे कि सपोज अगर मैं आपके सामने
चूंकि ये डिफरेंशिएशन का उल्टा है, रिवर्स प्रोसेस है, एंटी डेरिवेटिव है, तो हम उल्टा से स्टार्ट भी करेंगे। सपोज कि मैंने कहा कि डी बाई डी एक्स ऑफ कोई एक फंक्शन है प्लस सी, अगर हमको इसका डेरिवेटिव निकालना है तो अगर हम इसको डेरिवेटिव करने जाएंगे तो ये अगर एक सी कांस्टेंट है, सी अगर ये कांस्टेंट है तो उस केस में ये आपका क्या बन जाएगा, डी बाई डी एक्स जो हो जाएगा वो डी बाई डी एक्स, यानी इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कोई ये एफ डैश एक्स होगा। और मैंने कहा कि उसका मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि जो इसका नया फंक्शन आएगा वो कैपिटल एफ एक्स के बराबर हो जाएगा और सी का डिफ्रेंशिएशन हो गया जीरो। अगर इसका डिफ्रेंशिएशन जीरो हो गया और इसको हमने माना एफ डैश एक्स, तो अब अगर हम इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे तो हम ये कह सकते हैं रिवर्स प्रोसेस है, तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बताएगा, इसको डिफ्रेंशिएट किए तो ये आया, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बात आएगी। यानी इंटीग्रेशन में कैपिटल एफ ऑफ एक्स ये इसका साइन है, ये ऐसे करके ऐसे बना देना इसका साइन है, यानी ये इंटीग्रेशन में एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब थोड़ी देर बताऊंगा कि ये डी एक्स क्या बताता है। अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन करें तो आएगा इसका एफ ऑफ एक्स प्लस सी, क्या आया एफ ऑफ एक्स प्लस सी। यानी थोड़ा सा मुझे जगह चाहिए इसलिए मैं दोबारा इस बात को लिखूंगा कि इंटीग्रेशन में कैपिटल एफ ऑफ एक्स यानी इस फंक्शन का अगर हमने इंटीग्रेट किया डीएक्स किया तो ये आपका दे दिया स्मॉल एफ ऑफ एक्स प्लस सी। जो यहाँ पे ये सी है ना, ये सी कांस्टेंट है और सी कांस्टेंट है तो आप सोचो यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू मैं एक ले लू, दो ले लू, पांच ले लू, रूट थ्री ले लू, ट्वेंटी ले लू, ट्वेंटी बाई थ्री ले लू, कुछ भी वैल्यू ले लू, क्या डिफ्रेंशिएट करते समय हर बार ये जीरो ही बनता रहेगा क्या? कुछ भी ले लो, क्या इसकी वैल्यू कोई फिक्स वैल्यू ले पाएंगे क्या, कोई डेफिनेट वैल्यू ले पाएंगे क्या? हम ये कह सकते कि क्या है क्या कि ये तीन ही होगा, ये पांच होगा, ये दस होगा, ये दस बीस होगा, ऐसा हम कोई फिक्स नंबर नहीं कह सकते हैं, डेफिनेट वैल्यू नहीं कह सकते हैं। यानी जो यहां पे है ये सी इज नॉट डेफिनेट, सी इज नॉट डेफिनेट, ये कॉन्स्टेंट जरूर है, इससे क्या है ये सी इज कॉन्स्टेंट, जिसको कि सी कॉन्स्टेंट है, जिसको कि हम आगे चल के इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलेंगे। लेकिन एक और बात है कि सी इज नॉट डेफिनिट, अगर ये डेफिनिट नहीं है तो इसी सिर्फ इसकी वजह से ही ये पूरा इंटीग्रेशन इनडेफिनिट हो जाता है, देयरफॉर इट इज इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, तभी हम कहते हैं कि ये आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। बात समझ में आई कि इनडेफिनिट किसकी वजह से है, और जब डेफिनेट में चलेंगे तो इससे सी को हटाने का पूरा हमारा प्रयास होगा, तभी हम कहेंगे कि ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया। तो ये हमारा इंडेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया सिर्फ इस सी की वजह से, सी कांस्टेंट है। अभी मैंने बताया कि सी कांस्टेंट है, ठीक है, अभी एक और बात लिख देते हैं कि सी यहां पर जो सी है इसको सी इज कॉल्ड इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट, ठीक है। एक और बात मैंने बोला हूं यहां पे, अगर मेरी बातों पे आप ध्यान दिए होगे तो एक चीज और मैं एक वर्ड यूज किया हूं कि c की वैल्यू कांस्टेंट है, फिर मैंने यहां पे आया और बोला कि c की वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है, मान लो कि 1, 2, 10, 20, 50 कुछ भी होगी तो डिफ्रेंशिएट करके हमेशा ये जीरो ही बनने वाला है, तो c की वैल्यू चेंज हो रही है। मतलब वहां मैं कह रहा हूं कि c की वैल्यू कांस्टेंट है, यहां मैं कह रहा हूं कि c की वैल्यू बदल रही है, मतलब चेंज हो रही है, और जब चेंज हो रही है तो वेरिएबल, तो सर c क्या हुआ, वेरिएबल या कांस्टेंट, लफड़ा हो गया। अरे हो गई नहीं, अब तो आप सी पे रिसर्च करने लगे यार, ऐसा क्या थोड़ी होता है, मतलब सी पे कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल, ये तो बड़ा मुश्किल के कंडीशन में आ गया, मुश्किल नाम आ गया। तो इस सी को इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट बोलते हैं, और जब कोई चीज ये कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच की बात है कि मतलब ये ना तो कांस्टेंट है ना तो वेरिएबल है, ये एक सवाल के लिए कांस्टेंट है, जब कोई हम सी की वैल्यू एक बार सी इक्वल टू वन निकाल लिए तो उस बार के लिए फंक्शन डिसाइड हो गया तब वो कांस्टेंट बन गया, फिर सी इक्वल टू टू निकाल लिए तो उस बार के लिए वो फंक्शन फिर कांस्टेंट हो गया और सी की वैल्यू उस बार के लिए डिसाइड हो गया। तो सी का एक दूसरा नाम भी होता है जिसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कुछ और नहीं होता है, इसको हम पैरामीटर भी बोलते हैं, ये पैरामीटर होता है, ठीक है ना। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या पैरामीटर, पैरामीटर एक नाम है, ज्यादा इस पर रिसर्च नहीं करते हैं, अब बहुत थोड़ा सा छोटा सा ही काम चला लेते हैं कि हाँ ये सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट कहते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोले या पैरामीटर बोले। अब जैसे मान लो मैं आपके सामने एक छोटा सवाल लिखता हूं,
जैसे मान लो चौथे पांचवें नंबर की बात मैं लिख रहा हूं, पांचवें नंबर की बात ये लिख रहा हूं कि मान लो कि आपसे कोई कहेगा कि x dx को इंटीग्रेट करो। अभी फार्मूला मैं नहीं बताया हूं, स्टिल हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, इसका मुझे पूरा विश्वास है। तो ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, आ गया। जब हमने इंटीग्रेट किया तो एक्स स्क्वायर प्लस सी आ गया, मतलब अगर हम कहें इस वाले इंटीग्रेट जो इंटीग्रेशन आया है इसको अगर हम ले लें कि हमारे पास एफ एक्स है या वाई इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर बाई टू, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। जो पांचवें नंबर की बात मैं कराने वाला हूं वो यही कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, यानी जरा और बात कर लेते हैं कि पांचवें नंबर के पॉइंट पे कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। जो पांचवा पॉइंट लिखा हूं ये इसी बात पे मैं लिखने जा रहा हूं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो मैंने कहा कि पहले एक छोटा सा एग्जांपल से लेते हैं। जैसे मैंने कहा एक्स डी एक्स की वैल्यू अगर हमने निकाला तो हमको मिला एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। सी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है, यानी कोई कॉन्स्टेंट है। अब सी की वैल्यू बदल लेंगे, देखते हैं क्या होता है। अगर इस वाले को मैंने ले लिया कि ये हमारा इंटीग्रेशन हो के आया है एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, इसकी वैल्यू आई है ये। अब जरा बताओ क्या इसके जो हम अगर इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें, ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, तो जिस दिन सी इक्वल टू जीरो होगा उस दिन इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा क्या बच्चों, देखो। तो जब जब c इक्वल टू जीरो होगा तो इसका ग्राफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की तरह ग्राफ बनेगा, मतलब ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर बाई टू है। अच्छा जब c की वैल्यू मैं मान लो 1 लिया तो ये ग्राफ 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो गया, आप जानते हो ये बात, पढ़े हो। तो ये ग्राफ अगर मैंने c इक्वल टू 1 लिया तो ये दिया, अगर c इक्वल टू माइनस 1 लिया तो ये ग्राफ थोड़ा सा नीचे 1 यूनिट माइनस 1 यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला ग्राफ इधर हो जाएगा। ये कब हो जाएगा, जब c इक्वल टू माइनस 1 लिया। तो क्या दे क्या रहा है ये आपका, ये क्या फैमिली ऑफ कर्व दे रहा है क्या, ये फैमिली ऑफ पैराबोला आ रहा है क्या, मतलब ये इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन गिव्स फैमिली ऑफ कर्व, सीधे सीधे मैंने लिख दिया फैमिली ऑफ कर्व, सारे कर्व की फैमिली, मतलब आपका सी की वैल्यू बदलते जाएंगे नया नया कर्व मिलते जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, ये तो एक बात हो गई, एक और बात यहां पर देखो। मान लो मैंने कोई एक पॉइंट फिक्स कर लिया, देखो मैंने कहा कि लेट x इक्वल टू x1 या x इक्वल टू x नॉट या x इक्वल टू a, ऐसा मैंने मान लिया। मान लो मैंने कहा कि ये वाली जगह x इक्वल टू a है, ये वाली जगह x इक्वल टू a है, तो जरा बताओ x इक्वल टू a ये जगह है तो मैंने एक लाइन खींचा x इक्वल टू a वाली, ये खींच सकते हैं। जरा बताओ यहां पर अगर मैं स्लोप निकालूं और इस कर्व का यहां पे स्लोप निकालो, इस कर्व का यहां पे स्लोप निकालो, तो क्या इस x इक्वल टू a लाइन पे हर जगह स्लोप बराबर आ रहा है क्या, मतलब x x इक्वल टू a लाइन पे इसका स्लोप हर जगह, क्या यहां का स्लोप देखो तो सब पैरेलल है ना, ये देखो ये पैरेलल टेंजेंट है, टेंजेंट पैरेलल है, तो एट x इक्वल टू a एट x इक्वल टू a स्लोप ऑफ टेंजेंट आर इक्वल फॉर ऑल फैमिली ऑफ कर्व, मतलब एक ही बात नहीं है इसमें, सारे जितने कर्व हैं वो तो पहली बात की इंडिफिनिट इंटीग्रेशन फैमिली ऑफ कर्व लौटाता है। दूसरी बात हमको पता चली कि जो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है इससे हम किसी भी पॉइंट पे अगर हम इसका स्लोप निकालते हैं, टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, तो उसकी वैल्यू हर बार आपके बराबर होगी। जरा नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, छठे नंबर पे आ जाओ। छठे नंबर पे अगर हम कहें सिक्स्थ नंबर पे, तो अब जरा देखो अब एक और इंपॉर्टेंट बात पे हम आने वाले हैं कि जैसे मान लो मैंने कहा कि आपके सामने कि इंटीग्रेशन ऑफ, पहले मैं थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन इधर लिखता हूं। जैसे मान लो कहा मैंने कि डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर x क्या होगा, तो आपका जवाब होगा कि सर इसका इंटीग्रेशन a की पावर x log a यही होगा। और मैं पूछूंगा कि d बाई डी ए ऑफ a की पावर x क्या होगा, तो देखो आपको पता है उस समय बताया गया था कि जब नीचे dx है मतलब आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, यहाँ पे नीचे da है मतलब a के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, जब x में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो वेरिएबल ऊपर है तो a की पावर x वाला फार्मूला अप्लाई हुआ।
अब यहाँ पे डी बाई डी ए मतलब वेरिएबल अगर आपका बेस में हो गया तो ऊपर वाला कॉन्स्टेंट हो गया, ए की पावर एन वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा और इस केस में इसका आंसर हो जाएगा ए की पावर एन एक्स इंटू ए की पावर एक्स माइनस वन, एन इंटू ए की पावर एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो वैसे ही अगर इसका इंटीग्रेशन कोई कहेगा कि इंटीग्रेशन में ए की पावर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन बताओ, तो जो ये डीएक्स है और दूसरा वाला ए की पावर एक्स डी ऑफ ए का बताओ, ये दूसरा वाला इसका इंटीग्रेशन, चूंकि इसका डिफरेंशिएशन आपका ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए और प्लस सी हो गया, जबकि इसका इंटीग्रेशन अगर आप ध्यान से देखो तो मैं थोड़ा सा ना आपको चीजें थोड़ी सी बदल रहा हूं यहां पे, इसके बजाय मैं दूसरा ले रहा हूं कि कहन लिखने में आसानी होगी, कि मैंने लिखा डी बाई डी ए ऑफ ए की पावर एक्स प्लस वन का इंटीग्रेशन, ए की पावर एक्स प्लस वन का इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, तो इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा ए के रिस्पेक्ट में, तो ये बेस ए की पावर एन की तरह काम करेगा, तो ये एक्स प्लस वन पावर इंटू ए की पावर एक्स हो जाएगा। अरे बात समझ में, मतलब यहां पे x क्या हो गया, x तो कांस्टेंट हो गया बच्चों, x क्या हो गया कांस्टेंट, वेरिएबल कौन हुआ, वेरिएबल a हुआ, क्योंकि जो नीचे है da वो वेरिएबल दे रहा है। वैसे ही अब यहां पे a की पावर x का मैं निकाल रहा हूं, देखो a की पावर x इधर वाले का इंटीग्रेशन, a की पावर x प्लस वन नीचे चला जाएगा ये, तो ये हो जाएगा a की पावर x प्लस वन अपॉन x प्लस वन प्लस सी। तो क्या आपको ये जो बगल में है ये डी ऑफ ए डी ऑफ एक्स, यही क्या बता रहा है कि इसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होने वाला है, यही वेरिएबल है इस इंटीग्रेशन के लिए। मतलब यहां पे अगर ये एफ ऑफ एक्स डीएक्स है तो हेयर ये दिस डीएक्स, ये आपका इट्स इलस्ट्रेट इलस्ट्रेट illustrate that integration happened with respect to, या integration done with respect to x, happened with respect to x, x के respect में हुआ, या अच्छा integration किसी के respect में हो सकता है, integration can be done With respect to any variable, किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में किया जा सकता है इंटीग्रेशन, ठीक है ना। जैसे मान लो यहाँ पे f of t dt मैंने दे दिया, तो इस बार इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होने वाला है, यहाँ पे वेरिएबल इस बार वेरिएबल t है, इस बार वेरिएबल ये बता रहा है कि वेरिएबल t है, ठीक है ना। अगर मैंने लिख दिया कहीं कि f of p d of a, तो वेरिएबल कौन है, p या a, कौन वेरिएबल है, तो p वेरिएबल नहीं है, a वेरिएबल है, इस बार भी वेरिएबल यहां ये बता रहा है कि वेरिएबल आपके लिए वेरिएबल a है। मतलब ये तो f of p a वेरिएबल है, तो f of p क्या है, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन ऑफ p है ये, जबकि आपको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में करना है, a के रिस्पेक्ट में करना है। तो बात समझ में आ रही है, बिल्कुल बेसिक बेसिक सी बात चल रही है कि इसमें आपको ये बगल वाला बताता है कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होना है, a के रिस्पेक्ट में या x के रिस्पेक्ट में। अगर यहां पे x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो a कांस्टेंट है, a के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो x कांस्टेंट है। बात समझ में आ रही है, इस तरीके से हम लोग बात करते हैं। जरा सा अपन बात करेंगे अगले पॉइंट पे, ये तो आपका ये कुछ कुछ चीजें रही आपके सामने, अब जरा सा हम फार्मूले कर लेते हैं फटाफट, जरा कुछ 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 फार्मूले देख लेते हैं इंटीग्रेशन का। सातवें नंबर पे लिस्ट ऑफ फार्मूला बहुत जरूरी है ये फार्मूला जानना। लेकिन जब मैं फार्मूले बता रहा हूंगा ना, तो एक बात ध्यान देना कि मैं हमेशा दिमाग में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सोचता रह रहा हूंगा कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो उसका इंटीग्रेशन किस तरीके से हम निकालेंगे, यानी पहले डिफरेंशिएशन के बारे में सोचेंगे फिर इंटीग्रेशन के बारे में सोचेंगे। तो लिस्ट ऑफ फार्मूला में पहला फार्मूला अगर मैंने लिखा, पहला ही फार्मूला लिखा कि एक्स की पावर एन डी एक्स का, यानी किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, एक्स के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा पावर को एक बढ़ जाता है और वही पावर आके डिवाइड हो जाता है प्लस सी। फिर आठवें नंबर पे अगर इतना ही नहीं, अगर x के जगह पे कोई लीनियर होता ax प्लस बी, तो चूंकि आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो इसलिए मैं इतना आपकी बुद्धि यानी इतनी
आपके आईक्यू में, उम्मीद करता हूं कि इस आईक्यू के होगे कि ये बात समझ सकते हो कि ये लीनियर और ये लीनियर है, तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, तो टी मान के, एक बिना टी मान के डायरेक्ट। डायरेक्ट इसलिए ताकि थोड़ा सा आपका टाइम सेव हो, बाकी मैं बोर्ड के पर्पज से मैं ये बताऊंगा कि और किस तरीके से करते हैं। तो अगर एक्स के जगह पे लीनियर भी चेंज हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका इंटीग्रेशन यही ए एक्स प्लस बी की पावर एन रहेगा, नीचे में एक्स का जो कोफिशियंट है उसको लेके डिवाइड, ये एन प्लस वन हो जाएगा, ये एन प्लस वन, इतना तो अभी इसी का इंटीग्रेशन हुआ, और एक्स का कोफिशियंट जितना होगा उतना यहाँ पे लेके डिवाइड कर दो प्लस सी। अगर मल्टीप्लाइड है मतलब ये x के कोफिशियंट को बस डिवाइड कर देना है, अगर वो मल्टीप्लाइड है तो नीचे आ जाएगा, अगर डिवाइडेड है तो ऊपर जाकर अपने आप चला जाएगा। दूसरे आठवें नंबर पे, आठवें नंबर पे अगर हम बात करें इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx, तो क्या हो जाएगा आपका, इसका इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस सी। फटाफट मैं आपको लिस्ट देते चला जा रहा हूं, e की पावर अगर ऊपर में कोई आपका लीनियरली मैं चेंज कर रहा हूं, तो लीनियरली चेंज करने से कोई e की पावर में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, e तो यही रहेगा, e की पावर मतलब e की पावर में जैसे डिफ्रेंसिएशन में चेन रूल लगता था वैसे यहां भी कुछ वैसा ही है, मतलब e की पावर जो है वही का वही आ जाएगा, सिर्फ डिपेंड करेगा कि इसमें जो x का कोफिशियंट है उसको लेकर डिवाइड कर देंगे प्लस सी। और यहाँ पे नाइन्थ नंबर पे अगर मैं बात करूं कि इंटीग्रेशन में a की पावर x dx क्या हो जाएगा, तो वेरिएबल x है यानी ऊपर में वेरिएबल है, तो ये हो जाएगा a की पावर x अपॉन log a, जिसको कि ln a भी कहा जाएगा प्लस c, या दूसरा हम कहें इसी के बगल में कि a की पावर x, दूसरा अगर हम आपसे कहें कि a की पावर x का अगर हम कहें कि कहां पे पहुंचे हैं a की पावर x, तो ये आपका अगर मान लो लीनियरली चेंज हुआ, a की पावर मान लो कुछ लिख दिया यहाँ पे px एक्स प्लस क्यू लिख दिया इंटू डी एक्स लिख दिया, तो इस बार आपका फिर से हो जाएगा ये तो a की पावर px एक्स प्लस क्यू, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है, नीचे डिवाइडेड बाई x का कोफिशियंट आएगा, x का कोफिशियंट कितना है यहाँ पे p है, x का कोफिशियंट क्या है p है, तो ये नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा प्लस c हो गया। बात समझ में आ रही है, अगर मैं कहूँ आपसे a की पावर x के अलावा मान लो कि आपके सामने एक और टेंथ नंबर पे अगर मैं बात करूं कि सपोज ऐसे आ जाए, इस पे एक और मुझे चीज ख्याल आ रही है, चलो उसको मैं आगे बता दूंगा, तो ये आपका e की पावर ln कुछ ऐसे है, e की पावर ln मान ln रूट एक्स है, एक बात हम जानते हैं कि e और ln दोनों का बेस सेम है तो ये हट जाएगा, यानी इंटीग्रेशन में रूट एक्स हो जाएगा, और रूट एक्स हो गया तो इसको हम कहेंगे रूट एक्स डीएक्स, भाई यहाँ पे डीएक्स जरूरी है डालना, तो डीएक्स हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई, हम लिखेंगे कि x की पावर 1 बाय 2 इंटू डीएक्स लिखा है, और ये हो जाएगा x की पावर 1 बाय 2 प्लस 1 अपॉन 1 बाय 2 प्लस 1 प्लस c, यानी x की पावर 3 बाय 2 अपॉन 3 बाय 2, ऊपर से नीचे से ऊपर चला जाएगा। 11 नंबर पे बात करते हैं, अभी फार्मूला पे ही अपन लोग चल रहे हैं, जैसे कि अगला फार्मूला अगर हम दे देते हैं इंटीग्रेशन में, मान लो मैंने पूछा इंटीग्रेशन में साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो पहले आप ये देखोगे कि किसका डिफरेंशिएशन साइन एक्स होता है, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, क्या होता है कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, ये सब आपको याद होगा, मैं थोड़ा सा बस आप याद होगा, बस यहाँ पे आपकी मेमोरी ताजा कर रहा हूं, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होगा, तो अगर हम साइन का इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो ये माइनस इधर उड़ के आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉस एक्स d cos x plus c, अगर इसको लिनियरली चेंज करते हैं कि a x plus b है dx है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ a x plus b, सिर्फ फर्क इतना पड़ेगा कि नीचे में ये एक x का कोफिशिएंट आके मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस c। अच्छा, साइन के बाद तुरंत cos का भी पूछ बता ही देना चाहिए कि इंटीग्रेशन में cos a x plus b cos x ds क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन सॉरी साइन x प्लस सी, अगर यहीं पे आपका ये cos में कुछ लीनियरली चेंज हो जाता ax एक्स प्लस बी डी एक्स, तो क्या हो जाता उस केस में आपका हो जाता है साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन ए, क्योंकि x के कोफिशिएंट जाके डिवाइड हो जाता, और ये तो ये गलत लिख दिया यार, यहाँ पे कॉस है ठीक है ना, कॉस ए एक्स प्लस बी है, ये तो गलत लिख दिया मैं, और अभी माइनस है यहाँ पे, मतलब
पता नहीं कहां दिमाग है, ये क्या कर दिया मैं, यहां पे ये हो जाएगा, फिर ये प्लस में सी, मतलब इतनी बड़ी बड़ी गलती नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रहे, ठीक है ना। आगे और बात कर लेते हैं हम लोग, और फार्मूला कर लेते हैं 12 के बाद 13 नंबर के फार्मूले पे बात कर लेते हैं, 13th, बहुत सारे फार्मूले हैं, सारे फार्मूले करेंगे। 13th फार्मूला आपका हो जाएगा, आपका फार्मूला हो गया ये कि इंटीग्रेशन में sec स्क्वायर x कितना होता है, तो आप बताओ किसका डिफरेंशिएशन sec x होता है, sec स्क्वायर x होता है, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x plus c, फिर लीनियर होगा, तो वही चीज 15 नंबर पे बेटा cosec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर x का, तो आपको पता होगा कि cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x होता है, तो यहाँ पे माइनस cot x आ जाएगा। फिर 15 के बाद 16 नंबर पे अगर हम बात करें कि इंटीग्रेशन में tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो बताओ tan x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आपको याद होगा जरा बताओ, तो log sec x को जरा डिफरेंशिएट करो, तो बच्चों log x sec x को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये 1 by sec x into sec x का डिफरेंशिएशन sec x into tan x, और देखो ये इससे कटा आंसर दिया tan x, तो ये क्या हो जाएगा log sec x plus c। अच्छा एक और बात है, देखो tan स्क्वायर x और ये सब का नहीं आ रहा है, sec स्क्वायर x का cosec स्क्वायर x का आपसे लिखाया जा रहा है, मतलब ये दोनों इंपॉर्टेंट है, जब sec स्क्वायर x आएगा या sec की पावर 4 आएगा तो उसको हम sec स्क्वायर x में कन्वर्ट कर लेंगे, tan स्क्वायर आएगा तो उसको sec स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पता है। 17 नंबर पे इंटीग्रेशन आप cot x क्या हो जाएगा, तो ये तो बहुत सिंपल है, log में sin x, ये mod भी रहेगा भाई, log में mod sin x plus c, ठीक है ना, log में mod sin x plus c। और अगर 18 नंबर पे मैं बात करूं कि इंटीग्रेशन में tan हो गया cot हो गया sec की अगर मैं बात करें कि sec x dx क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log में mod में sec x plus tan x, sec x plus tan x plus c। एक और फार्मूला होता है वो भी हम डिस्कस कर देंगे, पहले तो हम लिख लें आपका cosec x का क्या हो जाएगा, तो log में cosec x minus cot x, cosec x minus cot x plus c, आ रही बात समझ में, तो ये पढ़ ली। एक और जरा थोड़ी सी जगह है, तो 19 के बाद 20 नंबर भी अपन लोग कर देते हैं कि इंटीग्रेशन में 1 बाई एक्स डी एक्स जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ लॉग एक्स होता है, तो लॉग एक्स प्लस सी, अगर ये आपका लीनियरली होता 1 बाई ए एक्स प्लस बी भी होता तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता लॉग ए एक्स प्लस बी बाई ए, ये पूरे का बाई ए प्लस सी, अरे बात समझ में, पूरे का बाई ए प्लस सी, तो ये आपका इंटीग्रेशन होता है। 20 अभी फार्मूले लिखे, अभी और फार्मूले लिखेंगे, लेकिन ये हमारे बेसिक फार्मूले हैं। और फार्मूले लिखने से पहले थोड़ा सा एक दो सवाल कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब दो चार सवाल और करते हैं इसी तो इसी पे बेस्ट, अभी जो हमने पढ़ा अभी तक जो हम कर रहे थे किसके ऊपर इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का कुछ फार्मूला कर रहे थे, जैसे कि फार्मूले को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं अपना, लाइक जैसे मान लो मैंने सवाल दे दिया आपके सामने इंटीग्रेशन में आपका अंडर रूट में कुछ ऐसे लिख दिया थ्री, पहले तो अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या था, अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन इसको हम लिखेंगे एक्स की पावर 1/2, बिल्कुल बेसिक की बात करो जो कि आप क्लास 11th में ही या आप बेसिक मैथ्स में या बेसिक मैथमेटिकल टूल इन फिजिक्स जो आप पढ़े होंगे तो उसमें भी पढ़े होंगे, ये हो जाएगा एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, यानी 2/, ये तो नीचे में 2 प्लस 1 यानी 3/2 हो गया, नीचे से ये ऊपर गया तो 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस सी, एक तो ये हुआ। अगर मान लो कि मैंने कहा कि अगर ये लिनियरली कुछ चेंज कर दिया जाए, मान लो 3x माइनस 2 कर दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, तो देखो लिनियरली चेंज करने से कोई इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, लिनियरली अगर हम चेंज करते हैं तो इसके इंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सिर्फ आपका होता इसी की तरह है, जो x का कोफिशियंट होता है उसी को लेकर डिवाइड मार देना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका ये 3x माइनस 2 की पावर 1/2 dx की तरह डील होगा, और ये बन जाएगा
3x माइनस 2 की पावर 1 बाय 2 प्लस 1 अपॉन 1 बाय 2 प्लस 1, ये तो इंटीग्रेशन का हुआ। और जो x का कोफिशियंट कितना है, 3 है x का कोफिशियंट, और यहाँ के 3 कोफिशियंट डिवाइड कर दिया, ये आपका आंसर बन गया। सपोज कि आपके सामने क्वेश्चन आए नहीं देकर अगर ऐसे दे दिया जाए कि इंटीग्रेशन में 1 अपॉन 3x माइनस 2, अंडर रूट के अंदर 3x माइनस 2 या 3x प्लस 2 माइनस अंडर रूट के अंदर माइनस ऑफ अंडर रूट में 3x माइनस 2, तो क्या इसका इंटीग्रेशन होगा इंटू dx, ये आपका इंटू dx। तो इंटीग्रेशन क्या करेंगे, तो ये आपको क्लियरली दिख रहा है कि अगर इस टाइप का है तो पहला काम अपने को करना चाहिए क्या कि इसके रेशनलाइज कर देना चाहिए। रेशनलाइज करने का मतलब वो क्या कि ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3x प्लस 2 प्लस में रूट 3x प्लस 2 सॉरी माइनस 2, ये आपका मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा यहाँ क्या हो गया भाई, नीचे में क्या हो गया, तो ये अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ एक बार के लिए, ये है रूट 3x प्लस 2 माइनस माइनस रूट 3x माइनस 2 इंटू, और क्या करेंगे रूट 3x प्लस 2 प्लस रूट 3x माइनस 2, ये आपका मल्टीप्लाई किया नीचे में आ गया a प्लस बी ए माइनस बी, तो आपका इसका इंटीग्रेशन बन गया इंटीग्रेशन में रूट ओवर 3x प्लस 2 प्लस में रूट ओवर 3x माइनस 2, ये इंटू नीचे में क्या हो गया a प्लस बी ए माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 3x प्लस 2 माइनस 3x माइनस 2, यानी ये 3x से 3x कट गया, माइनस माइनस 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस प्लस 2 1 बाय 4 बाहर आ गया, 1 बाय 4 बाहर आ गया, बचा क्या इसका इंटीग्रेशन। मैं डायरेक्ट कर लेता हूं बच्चों, देखो इसका इंटीग्रेशन दिस की पावर 1 बाय 2, पावर 1 बाय 2 का मतलब हो जाएगा 3x प्लस 2 की पावर 1 बाय 2 प्लस 1 अपॉन 1 बाय 2 प्लस 1 इंटू इंटू एक्स के कोफिशियंट से लेके डिवाइड करना पड़ेगा, और वो कोफिशियंट है 3, फिर प्लस वही हाल है सेम यहाँ भी 3x माइनस 2 की पावर 3 बाय 2 अपॉन 3 बाय 2 इंटू एक्स के कोफिशियंट से आप ले आके डिवाइड कर दो, एक्स के कोफिशियंट से डिवाइड करेंगे तो इंटू 3 प्लस सी, ये आपका आंसर बन जाएगा पूरा। यहाँ भी है प्लस सी वही लगा देना, कोई गलती ना हो रहे बीच में, मिस्टेक की कोई चांसेस ना रहे, बात समझ में आ रही है। मान लो किसी ने आपको सवाल दे दिया बिना एकदम बिल्कुल आसान आसान, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये बिल्कुल बेसिक है, स्टार्ट किया हूँ इसलिए आसान आसान सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। a की पावर x, b की पावर x, dx क्या होगा जहां पे a और b पॉजिटिव नंबर है, a b दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, ठीक है ना। तो आपके सामने a की पावर x b की पावर x इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, ए बी की पावर x इंटू dx, और ये क्या जाएगा ए बी की पावर x आपका बिल्कुल कॉन्स्टेंट यानी समथिंग की यानी कॉन्स्टेंट की पावर x की तरह काम करेगा। और अरे जब बेस दोनों का सेम होता है तो पावर पावर सेम है, बेस अलग अलग है बेस मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये ए बी की पावर x अपॉन ln ए बी प्लस सी। सपोज कि ये ना होकर सवाल अगर ऐसे हो इंटीग्रेशन में 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x अपॉन 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x इंटू dx, सब एकदम बिल्कुल आसान आसान सवाल मैं दे रहा हूं, देखो तब क्या हो जाता। तो इसको लेके चलते हम लोग, क्या ये अलग अलग पहले डिवाइड कर देते, डिवाइड करने लायक दिख रहा है अपने को 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x प्लस 3 की पावर x अपॉन 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x इंटू dx, ये आपका यहां से आया ये 1 अपॉन 3 की पावर x माइ प्लस 1 अपॉन 2 की पावर x, और ये आपका dx। नीचे से ऊपर जाएगा तो 3 की पावर माइनस x प्लस 2 की पावर माइनस x इंटू dx, बात समझ में आई। इतने के बाद से आप जरा देखो a की पावर फिर x बन गया, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कि आपका a की पावर x अपॉन log a यानी 3, और इसका कोफिशियंट x का अभी लिनियर है, कोफिशियंट आपका माइनस 1 है तो माइनस 1 नीचे डिवाइड हो गया, प्लस 2 की पावर माइनस x अपॉन log बेस e 2, और यहां पे भी माइनस 1 से लाके डिवाइड कर दिया, प्लस ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आसान आसान सवाल अभी हम चल रहे हैं लेके। जैसे मान लो सवाल आपके सामने आ जाए
इंटीग्रेशन में e की पावर 5x प्लस e की पावर 7x, e की पावर 7x अपॉन, यहां पे मान लो आ गया आपका e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इंटू dx। क्या करेंगे भाई, जब ऐसे सवाल आ गया अगर ये लिख दिया तो ऊपर से e की पावर 5x e की पावर 7x, ठीक है, अच्छा e की पावर x इंटू e की पावर माइनस x, क्या कुछ दिख रहा है, कुछ समझ आ रहा है कि क्या करना चाहिए? एक चीज दिख रहा है कि यहां से e की पावर 5x दोनों जगह है, कॉमन किया जा सकता है, यहां से भी e की पावर x नीचे से कॉमन करें तो शायद कुछ काम बनता हुआ नजर आए, एक बार देख लेते हैं कि क्या ऐसा हो पा रहा है कि नहीं, क्योंकि ऊपर से तो e की पावर 5x कॉमन होते हुए दिख रहा है। कैसे सर, e की पावर 5x कैसे कॉमन हो रहा है? यहां पे इसको मैं लिख सकता हूं e की पावर 5x * e की पावर 2x, बोलो लिख सकता हूं, नीचे में ये e की पावर x + e की पावर -x * dx, ठीक है, इतना तक तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से e की पावर 5x कॉमन हो गया तो बच गया 1 प्लस e की पावर 2x, सही है, चलेगा। नीचे से, अच्छा अब ये तो आपके दिमाग में बैठ गया होगा, दिख गया होगा कि नीचे से e की पावर माइनस एक्स बाहर लूंगा तो यहाँ पे e की पावर 2x हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा, यानी क्या करूं मैं, e की पावर माइनस एक्स मैंने बाहर लिया, आ गया e की पावर 2x, अरे भाई यहाँ पे माइनस एक्स नहीं है तो माइनस एक्स जाके डिवाइड हो जाएगा और ये प्लस 1, अब ये पूरा इसको काट दिया और ये नीचे से ऊपर जाके e की पावर 6x बना दिया और e की पावर 6x dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया बच्चे, e की पावर cx, e की पावर 6x / 6 + c, बात समझ में आ रही है? तो ये बिल्कुल बेसिक सवाल मैं इंटीग्रेशन का आपके करा रहा हूं कि अगर ऐसे सवाल आएंगे तो हम क्या किस तरह से सोचेंगे, किस तरीके से बनाएंगे। जरा अगले सवालों पर कुछ बात करेंगे। फटाफट नोट कर लो, अगले सवाल है अपने लो पे पास 30 सेकंड का टाइम काफी है नोट करने के लिए। अब अगला सवाल है, जैसे मान लो आपके सामने आ जाए इंटीग्रेशन में dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, मतलब देखो आगे चल के मैं दो बात आपको बताऊंगा। अभी यहां पे इस सवाल को ऐसे मैं आपके सामने रखूंगा इस तरह से कि आपके काम बिल्कुल हर सवाल बनता चला जाएगा। इसी बेसिस पे, इसी वाले तर्ज पे मैं अभी सवाल करूंगा, इस वाले के बेसिस पे, और आपका जैसे ये मैंने किया इस बेसिस पे मैं अभी इस सवाल को करूंगा। आगे चल के मैं बोलूंगा कि 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो परफेक्ट स्क्वायर बनाओ आंसर ले आओ। आगे चल के क्या बोलूंगा, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो परफेक्ट स्क्वायर बनाओ आंसर ले आओ। तो लेकिन अभी हम वो सब नहीं पढ़े हैं, तो भी अगर आ जाएगा तो सवाल को देखो करने का तरीका क्या हो सकता है। सबसे पहले नीचे वाले का फैक्टर हो पा रहा है क्या, तो सर एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री फैक्टर हो गया, मतलब आगे चल के जब 1 अपॉन क्वाड्रेटिक वाला पैटर्न ढूंढ लेंगे तो सबसे पहले आप इसी पैटर्न से करोगे कि 1 अपॉन क्वाड्रेटिक है तो फटाफट कर दो। अगर आपके पास सामने वो मेथड ना हो कि ये अगर मान लो दो ब्रैकेट का क्वाड्रेटिक मतलब दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट आ चुका है और दोनों का कोफिशियंट सेम दिख रहा है, ये भी एक्स ये भी एक्स 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 एक्स, तो ऊपर में डिफरेंस क्रिएट करो। मैं इसलिए ये बता रहा हूं ताकि ये वाला आपके दिमाग में अगर मैं अभी से भर दूं तो आगे चल के मैं जब 1 अपॉन साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, 1 अपॉन कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, 1 अपॉन कॉस 1 अपॉन साइन इंटू कॉस वाला रहेगा, तो उन सब सवालों के लिए मैं आपके सामने कुछ रख पाऊंगा कि हाँ ये प्रोडक्ट है तो कैसे डिफरेंस क्रिएट करके काम करना है। तो अगर यहाँ पे दो दो चीज का प्रोडक्ट है, ये दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट है, मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये जो तरीका मैं बता रहा हूं ये तरीका आपको हर बार या हर जगह अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बस ये एक मेथड है, एक नया चीज आपके सामने बस रख रहा हूं कि जब टू ब्रैकेट का प्रोडक्ट है नीचे में तो इन ऊपर में यहां के पास से यहां पे इन न्यूमेरेटर क्रिएट डिफरेंस ऑफ दीज टू ब्रैकेट, इन्हीं दोनों ब्रैकेट का डिफरेंस क्रिएट कर डिफरेंस बनाए, इन्हीं दो ब्रैकेट का डिफरेंस बनाए। कैसे बनाए सर, देखो कैसे क्या करें, देखो ऊपर में आप अंधाधुंध x माइनस टू माइनस x माइनस थ्री अंधाधुंध लिख दो,
ठीक है, यहाँ पे x माइनस टू है, x माइनस थ्री आपने लिख दिया। अब बस बैलेंस करने के बारे में सोचो कि यहाँ ऊपर में एक्स्ट्रा क्या है आपके पास, क्योंकि यहाँ पे वन था, यहाँ भी ऊपर में वन आना चाहिए। अगर वन आया है तो ठीक, नहीं आया है तो उससे डिवाइड कर लेंगे। x से x कट जाएगा, माइनस टू प्लस थ्री, माइनस टू प्लस थ्री, माइनस टू में से प्लस थ्री निकालेंगे तो प्लस वन आएगा। यहाँ भी प्लस वन था, मतलब अपने को कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या बन गया, अब यहां से अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो ये वन अपॉन एक्स माइनस थ्री हो जाएगा। डिवाइड करते ये वाला इससे कट जाएगा, वन अपॉन एक्स माइनस थ्री बचेगा। यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, वन अपॉन एक्स माइनस टू बचेगा। x माइनस टू इंटू डी एक्स, और आपका फिर यहां से आंसर क्या आ जाएगा भाई, log x माइनस थ्री माइनस log x माइनस टू। आगे चल के इसी का आप आंसर देखने वाले हो कि ये डायरेक्ट फार्मूला में हम बता देते हैं कि x माइनस थ्री अपॉन x माइनस टू हो जाएगा प्लस c। ये आपका मॉड भी लगा सकते हैं यहाँ पे। मान लो ये सवाल ना हो, अगर ऐसे होता तो हम कैसे करते, dx अपॉन x की पावर x स्क्वायर माइनस माइनस एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स। अगर ऐसा होता तो हम कैसे करते, तो क्या इसका भी पहले हम नीचे वाले का फैक्टर निकालते, फैक्टर आपका आ जाता x माइनस थ्री एक फैक्टर होता और x प्लस टू एक फैक्टर होता इंटू इंटू डी एक्स, ठीक है। अब नीचे में दो दो फैक्टर का प्रोडक्ट है, देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बात आने वाली है। अब नीचे में दो फैक्टर का प्रोडक्ट है तो इनको ऊपर में इनका डिफरेंस क्रिएट करेंगे। डिफरेंस क्रिएट करने के लिए आप जो चाहो वो लिख दो बेटा, हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप पहले x माइनस एक्स प्लस टू लिख रहे हो या x माइनस थ्री लिख रहे हो, पहले कोई इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि सब बैलेंस करते समय आपकी चीजें अपने आप बैलेंस हो जाएंगे। अब देखो आपने ये क्रिएट कर दिया, सबसे बड़ा फायदा क्या है, दोनों x और x का कोफिशियंट सेम होने की वजह से ऊपर में कट गया और कांस्टेंट ऊपर में आया, तो हमारे लिए टेंशन की बात ही नहीं, क्योंकि कांस्टेंट को तो मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करके बैलेंस कर सकता हूं। अब जरा देखो x से x कट गया, प्लस टू माइनस माइनस थ्री प्लस फाइव, ऊपर में प्लस फाइव एक्स्ट्रा आ गया। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये प्लस फाइव एक्स्ट्रा है कि x प्लस टू माइनस x प्लस थ्री, ये इससे कट गया ऊपर में प्लस फाइव, लेकिन हमें यहाँ पे था वन, यहाँ पे वन इंटू समथिंग था तो हमें वन चाहिए, इसके लिए पांच से डिवाइड कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या इसको सॉल्व करने से पांच कट के वन आ जाएगा। अब ये आ गया फाइनली वन बाई फाइव, और यहाँ पे इंटीग्रेशन में बच गया, ये अलग अलग जाके डिवाइड हुआ तो वन अपॉन एक्स माइनस थ्री माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू और ये डीएक्स क्या बन जाएगा, यानी पूरा आंसर आ गया वन अपॉन फाइव लॉग एक्स माइनस थ्री का मॉड माइनस लॉग एक्स प्लस टू का मॉड, यहाँ पे ऐसे प्लस डी ए प्लस सी ए कॉन्स्टेंट आ गया। बाकी इसको आप सॉल्व कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। अगले सवाल की तरफ आते हैं, ये तो आपका तब हो गया जब नीचे में क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक का ब्रैकेट ओपन हो जा रहा है, ठीक है। मान लो ऐसे सवाल दे दिया, अभी भी बेसिक में बस मैं सवालों को थोड़ा थोड़ा मैं घुमा रहा हूं। मान लो ऐसे लिख दिया ए एक्स प्लस बी, मान लो टू एक्स प्लस थ्री इंटू डी एक्स, तो ये सवाल आएगा तो एक बात ध्यान रखना, फिर से यहां पे ध्यान रखने वाली बात है, खास बात आपकी ये है, खास बात देखो, खास बात क्या है, यानी बड़े ही काम की बात है। काम की बात ये है कि अगर न्यूमरेटर इफ इन पोल इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर पॉलिनोमियल, अगर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल टाइप का हो या पॉलिनोमियल हो, पॉलिनोमियल या पॉलिनोमियल टाइप, पॉलिनोमियल टाइप मतलब मान लो यहाँ पे साइन भी है, ऊपर में साइन है तो पॉलिनोमियल की ही तरह कहलाएगा पॉलिनोमियल टाइप। अगर ऐसा है दे एंड आल्सो एंड डिग्री ऑफ न्यूमेरेटर, यही सबसे काम की बात है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, अगर ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले की डिग्री से ज्यादा या बराबर हो तो उस केस में भाई क्या करते हैं, देन कहता है देन डिवाइड एंड इंटीग्रेट।
तब डिवाइड करें और उसके बाद इंटीग्रेट करें। आप मुंह उठा के फटाफट इंटीग्रेट मत कर देना। अगर ऊपर और नीचे की डिग्री, ऊपर की डिग्री नीचे के बराबर या बड़ी हो जाए पॉलीनोमियल टाइप के फंक्शंस में, तो पहले डिवाइड करते हैं और आप तब इसका इंटीग्रेट करते हैं। डिवाइड करने का दो तरीका, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड, पहले मैं वही बता रहा हूं, बाद में आपको शॉर्ट डिवीजन मतलब डायरेक्ट भी करने का तरीका बता दूंगा। x में 2x प्लस 3 को डिवाइड करना है, सबसे पहले 2 टाइम जाएगा, ये 2x प्लस 6 हो जाएगा, यहां पे घटेगा माइनस माइनस, ये मैंने क्या बोला, ये 1/2 टाइम जाएगा, मैं पूरा उल्टा कर दिया, 1/2 टाइम जाएगा, 1/2 टाइम जाएगा, तो 1/2 से ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा प्लस 3/2, घटेगा माइनस माइनस, ये पूरा कट गया, माइनस 3/2 यहां पे बच गया। तो कैसे लिख सकते हैं, देयरफॉर हम क्या x को लिख सकते हैं क्या, कि ये लिखा हुआ है क्या कि समथिंग x बाई 2x प्लस 3 को जो है कि हम लिख सकते हैं कि 1/2 माइनस 3/2 अपॉन 2x प्लस 3। बोलो बात समझ में आया, ऐसा लिख सकते हैं, यानी फाइनली इस इंटीग्रेशन का जो ये इंटीग्रेशन x अपॉन 2x प्लस 3 इंटू dx था, अब हम इसको फर्दर इस लॉन्ग डिवीजन मेथड में लिख सकते हैं 1/2 और क्या माइनस 3 अपॉन 2x प्लस 3 इंटू dx। और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, देखो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, 1/2 का इंटीग्रेशन 1/2 इंटू x माइनस 3/2 बाहर हो गया, ये हो जाएगा लॉग मॉड 2x प्लस 3 नीचे में डिवाइड बाय 2 प्लस सी, बस ये सिंपल आंसर है। अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं करेंगे तो क्या करेंगे सर, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड के अलावा, अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, आप तब तक फटाफट नोट कर ले, 30 सेकेंड इज अगेन सफिशियंट टू राइट डाउन ऑल द इंफॉर्मेशन रिटेन ऑन द बोर्ड। तो नाउ सी, अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं करना है तो देखो कैसे डिवीजन करेंगे सर, ये 2x प्लस 3 है ठीक है ना, तो ये ऊपर में अगर 2x होता, 2x प्लस 3 होता तो ये कट जाता क्या, ऊपर में 2x प्लस 3 होता तो कट जाता, तो ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई करो, अगर ऊपर में पहले x को 2x बनाना है तो यहाँ पे 2x अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो आपको सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया, इतना कर लिया। अब इसमें प्लस 3 होता तो ये कट जाता, तो प्लस 3 बना लेते हैं, अगर हमने यहाँ पे 2x प्लस 3 बनाया तो माइनस 3 करके बैलेंस भी करना पड़ेगा, 2x प्लस 3 इंटू dx। अब जरा देखो, अब इनको डिवाइड में करूंगा तो आ जाएगा 1/2 बाहर हो गया और ये हो गया 1-3 अपॉन 2x प्लस 3। अब इनको इंटीग्रेट करूंगा तो बच्चों आ जाएगा 1/2, 1 का इंटीग्रेशन x और यहाँ पे -3 log बेस 2x प्लस 3 अपॉन यहाँ पे बेस, यानी ये x का कोफिशिएंट आके डिवाइड हो गया प्लस सी। देखो यही आपका यहाँ पे आंसर है, 3/2 इंटू 2 4 आपका आंसर है, बात समझ में आ रही है। तो सेम चीज मान लो आपका सवाल ऐसे ना हो करके कुछ ऐसे आपको दे दिया जाए, तो और मैं बड़ी डिग्री का सवाल लेना चाहता हूं, जैसे मान लो ऐसे हो जाए, इंटीग्रेशन में एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स प्लस 3 है और ये इंटीग्रेट करना है, क्या यहाँ पे डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, क्या यहाँ पे डिग्री ऑफ, एक तो पहली बात है पॉलिनोमियल है, ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री से ज्यादा है, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो क्या करेंगे, पहले हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड x की पावर 4 लॉन्ग डिवीजन मेथड से पहले करेंगे, x प्लस 3 क्या हो गया, पहले तो x क्यूब के बाहर जाएगा, कितने बार जाएगा x क्यूब के बाहर जाएगा, x क्यूब के बाहर जाएगा तो ये हो जाएगा x का पावर 4 प्लस 3x क्यूब, ये घटेगा माइनस माइनस, ये तो कट गया माइनस 3x क्यूब हो गया, फिर ये आपको माइनस 3x क्यूब काटने के लिए माइनस 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, ये माइनस 3x क्यूब 9x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस प्लस, ये कट गया 9x स्क्वायर काटने के लिए 9x से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो 9x से मल्टीप्लाई करते ही 9x स्क्वायर प्लस 27x, ये आपका माइनस माइनस कट गया माइनस 27x आया, इसको काटने के लिए माइनस 27 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया माइनस 27x प्लस माइनस 18,
माइनस 81। अब ये आपका माइनस किया तो माइनस प्लस ये तो कट गया, ये आपका प्लस 81 बच गया। यानी फाइनली हम क्या लिख सकते हैं यहां से, देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करना थोड़ा सा बड़ा इरिटेटिंग लगता है क्योंकि बहुत टाइम लगता है, उससे हम हर बार डिवाइड करने के बजाय अपने को बचाएंगे भी। कैसे तब क्या बन जाएगा ये, वेयर 4x की पावर 4 अपॉन x प्लस 3 dx आपका बन जाएगा। देखो एक तो पूरा डिवीजन यानी कोसेंट आपका ये हुआ क्या, x³ - 3x² + 9x - 27 है, तो पूरा कोसेंट हुआ, रिमाइंडर आया प्लस 81 अपॉन x प्लस 3 इंटू dx। क्या हो जाएगा इसका पूरे का इंटीग्रेशन कितना हो गया, x³ का इंटीग्रेशन x³/4 - 3x³/2 - 27x + 81 log ये हो जाएगा x+3 + c। बात समझ में आ रही है, अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं करते डिवीजन तो कैसे निकालते, तो बेटा देखो x³ / 4 / x + 3 था इंटू डीएक्स था, बैलेंस करना चालू करते हैं। हम जान रहे हैं ऊपर में x³ जब जब आएगा तब तब कट जाएगा, तो हम सबसे पहले यहाँ पे x+3 लिख देते हैं। इसको बैलेंस करने के लिए x³ से मल्टीप्लाई करते तो ये x की पावर तो 4 हो गया, बचा क्या एक्स्ट्रा, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या बचा, 3x² एक्स्ट्रा बच गया क्या, 3x³। इसको बैलेंस करने के लिए हमने 3 आपका, अब चूंकि 3x² अपने पास रखेंगे कि ये -3x³ आपके पास हो गया, लेकिन अब फिर से अब इसको काटने के लिए x+3 यहां बनाना पड़ेगा, तो डायरेक्ट मैं बताता हूँ कि क्या कर लेते हैं। रुको, ये हो गया x+3, 4 डिग्री है तो x+3 ऊपर में 4 है नीचे में 1 है, डिग्री का डिफरेंस 3 है तो 3, ये टोटल 4 बार यही ब्रैकेट को आप चुन चुन के लिख लो, लिख लिया चुन चुन के क्या बनेगा। देखो पहली बार ये x³ किया तो हमें यहाँ पे +3x³ हुआ, ये +3x³ को बैलेंस करने के लिए -3x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -3x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो -3x² से मल्टीप्लाई किया, 3x³ - 3x³ कैंसिल होकर बराबर हो गया। अब यहां पे देखो -9x² हो गया, अब ये -9x² इसको इससे अब यहां पे बैलेंस करना पड़ेगा -9x² को, तो +9x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, +9x से मल्टीप्लाई किया ये +27x आ गया क्या, देखो यहाँ पे +27x आ गया, और ये 27x + 27x को मल्टीप्लाई यानी बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आपको कितना करना पड़ेगा, -27 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये -27 यानी ये -81, 27 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो -81, इसको बैलेंस करने के लिए +81। अब यहाँ देखो अलग अलग किया सब कट गया, x³ - 3x² + 9x - 27 एक साथ आ गया, +81 के नीचे x+3 × dx। देखो ऊपर वाली चीज आई, बोलो बात समझ में आया कैसे डिवाइड करते हैं, क्योंकि इनके ऊपर और नीचे में डिग्री का डिफरेंस 3 है, यानी अधिकतम ये 4 ऊपर 4 ब्रैकेट तक जा सकता है, तो यानी पावर 4 है तो 4 बार कटने का पूरी संभावना है, तो 4 ब्रैकेट लगाते चले गए, और उन हर ब्रैकेट में आपको इसको बैलेंस करना पड़ा कि हमें यहाँ पे x⁴ था तो वो आने के लिए x³ से मैंने मल्टीप्लाई किया। अब इसके चक्कर में 3x³ हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया, उसको काटने के लिए -3x² से मल्टीप्लाई किया, अब इसमें से देखा तो -9x² ज्यादा आ गया, +9x से मल्टीप्लाई किया, ऐसे करते करते +81। तो ये डायरेक्ट डिवीजन करने का तरीका है, बाकी लॉन्ग डिवीजन मेथड ये है, तो हम ऐसे करके सवाल को करेंगे, बाकी के नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बच्चों।